हाय गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज सीए शांतनु मंडारी। आज मैं बात करने वाला हूँ फास्ट ट्रैक बैच के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तीन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए फास्ट ट्रैक बैच बहुत बहुत जरूरी है, एक्सेप्ट दैट कोई और भी इसे रेफर कर सकता है। सबसे पहले वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पुराने मॉड्यूल्स हैं। मतलब क्या कि सोचा था कि जैसे ग्रुप वन के फास्ट ट्रैक बैच हमारे पास हैं, ग्रुप सेकेंड के भी हैं, ग्रुप थ्री के भी हैं अभी, है ना। उसकी तो प्री बुकिंग चल रही है, तो जल्दी से आप बुक कराएं इससे पहले खत्म हो। तो अभी क्या है कि अगर मैंने सोचा था कि मैं लेट्स से जून या दिसंबर जो बीत गया उस समय मैं ग्रुप वन या ग्रुप टू की जो भी सब्जेक्ट्स है वो दे दूंगा, पर अभी अगर मैंने नहीं दिए हैं तो अभी तो क्या मॉड्यूल इतना बदल चुका है, पुराने मॉड्यूल से अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप खुद भी अपडेटेड मॉड्यूल रेफर करिए। मैं बार बार ये कहता हूँ और मैं आप मानेंगे इस चीज़ को कि पुराने मॉड्यूल्स पुराने नोट्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं, सब बदल चुका है। उठा के देख लीजिए सब्जेक्ट्स, आपको पुरानी चीज़ें मिलेंगी ही नहीं। तो पहली वो कैटेगरी जिनके पास पुराने एक तरीके से मॉड्यूल्स हैं और अब क्योंकि उन्होंने सोचा था उस समय पेपर नहीं दिए, अब नए मॉड्यूल्स आ चुके, तो वो फास्ट ट्रैक बैच जरूर देख सकते हैं। दूसरे वो जो खुद पढ़ रहे हैं और उनको थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है, कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, तो एक तरीके का रिविजन हो जाएगा, तो वो लोग इसे देख सकते हैं जरूर। एंड द थर्ड कैटेगरीज वो जिन्होंने कहीं और से क्लासेस लिए हैं बट वहां से वो सेटिस्फाइड नहीं थे या उतना अच्छा खास नहीं लगा था, तो ये फास्ट ट्रैक बैच उन्हें बहुत हेल्प कर सकता है। तो इन तीनों कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आई थिंक फास्ट ट्रैक बैच आपके लिए तो बहुत ही जरूरी हो जाता है। अदर देन दैट आपकी मर्जी है, बिकॉज फास्ट ट्रैक बैच में हर चीज को समझाया गया है एंड डेफिनेटली अमेंडमेंट्स भी पूरे कंप्लीट है। थैंक यू सो मच।